केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, मगर वो सुनवाई निर्भया के दोषियों के लिए जो आज होनी थी वो टाल गई टाली जा चुकी है। 11 तारीख को अब इस पर सुनवाई होनी है। 12 फरवरी को यानी कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के बाद में 2 बजे सुनवाई होगी, यानी कि 11 फरवरी जो कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे और उसी दिन इस पर सुनवाई भी होगी। और ऐसे में दोषियों को नोटिस भी जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी बचे विकल्प जल्द इस्तेमाल करें। तो आज यह दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सुनवाई को टाल दिया गया और अब 11 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। मगर इस बात का निर्देश दोषियों को सख्त तौर पर दिया गया है कि जो बाकी कानूनी विकल्प बचे हुए हैं अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए दोषियों को, वो उसका इस्तेमाल जल्द से जल्द करें। पिछले दिनों दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक अर्जी लगाई थी कि 2 ऐसे दोषी हैं जिनको फांसी दी जा सकती है जिन्होंने अपने तमाम विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है, और ऐसे में 4ों को एक साथ फांसी दिया जाना जरूरी नहीं है। मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया था और जिसके खिलाफ में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। मगर आज इस पर सुनवाई के बाद में इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए तारीख आगे खिसका दी गई है, यानी कि अब मंगलवार को 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच में उन 2 दोषियों को जिनके पास में कानूनी विकल्प अभी बचे हुए हैं इस्तेमाल करने के लिए, उनको सख्त लफ्जों में ये निर्देश और हिदायत कोर्ट की तरफ से दी गई है कि उन विकल्पों का इस्तेमाल जल्द से जल्द करके खत्म करें। यानी कि 11 तारीख तक का इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्या केंद्र सरकार के अर्जी में कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जिसके आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर मेरिट बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये अर्जी खारिज होगी। इंतजार 11 तारीख का करना पड़ेगा।